अनबायस्ड एकेडमी। आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं और रिव्यू करने वाले हैं एक काफ़ी फैंटास्टिक से इन ईयर मॉनिटर्स कैटेगरी के ईयरफोन्स को, जिसका बॉक्स अभी फिलहाल यहाँ मेरे पीछे रखा हुआ है। ये है फियो FH1S इन ईयर मॉनिटर्स कैटेगरी का ईयरफोन्स। फियो FH1S को आप एक एंट्री लेवल का इन ईयर मॉनिटर्स बोल सकते हैं। बॉक्स को करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं कि क्या क्या मटेरियल है इस बॉक्स के अंदर। अगर आपको ये नहीं पता है कि एक नॉर्मल से ईयरफोन में और एक इन ईयर मॉनिटर्स में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, तो शर्माने वाली कोई बात नहीं है, मेरा प्रीवियस वीडियो जाकर देख लो, सब कुछ पता चल जाएगा। तो अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। अनबॉक्सिंग देख के तो मज़ा आया होगा। अब सबसे पहले देखते हैं ये छोटा छोटा सा, बहुत सारा इसमें ईयरबड्स का अटैचमेंट दिया हुआ अलग अलग साइज में, जो अलग अलग ईयर के हिसाब से आप फिट कर सकते हैं। अलग अलग पर्पस भी है इनका, एक बार क्लोजअप लुक दिखाते हैं आपको। ये देख सकते हो खजाने का डब्बा, कितने अलग अलग टाइप्स के ईयरबड्स दिए हुए हैं, सब अलग अलग साइज के भी हैं। ये सब तो जैसे ये सिलिकन वाला है, ठीक है, ईयर के फिट के हिसाब से आप इसे चेंज कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, अलग अलग साइज में है। ज़्यादातर इसमें सिलिकन वाले ही दिए गए हैं। ये एक फोम टाइप का है, इसे आप पहले ऐसे प्रेस करोगे और जब ये छोटा सा हो जाएगा ना एकदम, तब आप इसको अपने ईयर पे डालोगे, फिर ये धीरे 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 एक्सपैंड करके आपके ईयर पे पूरे अच्छे से फिट हो जाएगा और नॉइज़ को एकदम आइसोलेट कर देगा। मतलब अगल बगल बाहर के कोई भी साउंड आपको सुनाई नहीं देंगे और आपका म्यूज़िक सुनने का एक्सपीरियंस काफ़ी बेटर हो जाएगा। ये लोगो देख रहे हो, हाई रेस ऑडियो, इसका मतलब है फियो इन ईयर मॉनिटर्स आर हाई रेस ऑडियो सर्टिफाइड बाय जापान ऑडियो सोसाइटी। ईयर में फिट की अगर बात करें तो ईयर पे काफ़ी कंफर्टेबल तरीके से ये फिट आता है। ये देखने में जितना बड़ा है, आपको देख के लग रहा होगा कि काफ़ी अनकंफर्टेबल और काफ़ी बल्की और भारी होगा, बट ऐसा है नहीं। ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है ईयर के शेप के हिसाब से ही, इसीलिए जब आप अपने इसे ईयर पे फिट करते हैं, वायर को ओवर द ईयर्स ऐसे रखते हैं, तो काफ़ी अच्छे तरीके से ही आपके दोनों कान पे फिट आ जाने वाला है। मतलब फिटिंग रिलेटेड आपको कोई भी इशू महसूस इसमें नहीं होगा, काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी आरामदायक। हर एक एंगल से आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से एकदम फिट आ गया कान पे। जितना बल्कि वो दिख रहा था, अब वो अगर साइड से आप देखें तो उतना बल्कि दिख भी नहीं रहा है, काफ़ी अच्छे से फिट आ गया है ईयर पे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, इसमें 3.5 mm का ऑडियो जैक है और अगर केबल की बात करें तो केबल की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। इसकी स्पेशियलिटी ये है कि ये 120 कॉपर कोर्स, मोनोक्रिस्टलाइन कॉपर कोर से बना है, यानी कि ये जो आपको वायर दिख रहा है ना, इसमें पतले पतले कॉपर के 120 कोर्स हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि इससे क्या फ़ायदा है हमारा, अगर कॉपर का वायर है तो इससे क्या फ़ायदा। तो कॉपर में जो कंडक्टिविटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है बाकी मेटल्स के कंपैरिजन में, इसीलिए अगर आप कॉपर का केबल वायर यूज़ करते हैं तो जो साउंड है काफ़ी लॉसलेस तरीके से ट्रांसफ़र होकर आपके कान तक पहुँचता है और एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है आपको सॉन्ग का। केबल से रिलेटेड इसमें एक और मस्त बात है, ये जो केबल आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ से इजीली डिटैच हो जाता है,
अब इसका क्या फ़ायदा है? इसका ये फ़ायदा है कि अगर कभी ये केबल ख़राब हो जाता है तो आपको पूरा ईयरफोन फेंकने का या डिस्पोज करने का ज़रूरत नहीं है। आप आराम से केबल परचेज कर सकते हैं और इसे यहाँ से डिटैच करके नया केबल लगा सकते हैं और फिर से इसे यूज़ कर सकते हैं। केबल से रिलेटेड एक और ज़रूरी बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो 3.5 mm जैक वाला जो इसमें केबल यूज़ हो रहा है ना, इसको आप ब्लूटूथ केबल से भी रिप्लेस कर सकते हैं। फियो खुद मैन्युफैक्चर करती है इस IM के साथ कंपैटिबल वाला वायरलेस या फिर ब्लूटूथ केबल। मतलब आपका केबल का झंझट, ये 3.5 mm जैक का झंझट ख़त्म हो जाएगा अगर आप इसे रिप्लेस करना चाहते हैं एक ब्लूटूथ वायरलेस वायर से। तो ये तो सारा हो गया इसका फिजिकल स्पेसिफिकेशन। अब बात करते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। मेन चीज़ तो वही है ना, इसीलिए आप ईयरफोन को खरीदोगे। फियो FH1S का प्राइस रेंज बिटवीन 5,000 to 6,000 है। ये IEM बेसिकली डिज़ाइन किया गया है ऑडियो फाइल्स को या फिर बिगिनर लेवल ऑडियो फाइल्स जो होते हैं उनको दिमाग में रख के। IEM कैटेगरी के हिसाब से अगर हम प्राइस को जज करें तो ये ऑलमोस्ट ठीक ठाक है। थोड़ा सा और प्राइस अगर कम होता तो ज़्यादा बेटर होता। साउंड क्वालिटी की अगर बात करें तो एक बिगिनर लेवल या एंट्री लेवल IEM के हिसाब से इसका साउंड काफ़ी अच्छा है। 13.6 mm की बैलेंस आर्मेचर ड्राइवर बेस को काफ़ी इंटेंस और काफ़ी क्लियर एंड लाउड कर देती है। मिड्स एंड हाइज की अगर बात करें तो इसका साउंड सिग्नेचर काफ़ी क्लियर एंड ट्यून्ड है। वोकल्स भी आपको काफ़ी रिच सुनाई देगी। वोकल्स के बारे में अगर एक डिमेरिट, छोटा सा डिमेरिट अगर इसके बारे में बात करें जो मुझे पर्सनली महसूस हुआ, वो ये है कि इसका जो वोकल्स है वो थोड़ा सा आपको ब्राइटर साइड में महसूस होगा। स्पेशली अगर आप कोई फीमेल सिंगर्स या फीमेल वॉइस को जब आप एक्सपीरियंस करोगे ना, तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा मतलब शार्प एज है इसका। इतने सारे पॉइंट्स डिस्कस करने के बाद हम आ जाते हैं अपने फाइनल डिसीजन पे। अगर आपके पास बजट है और आपको रियली में म्यूजिक को इंजॉय करना है और आप ढूंढ रहे हो एक अच्छा सा IEM, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ये IEM आप परचेज कर सकते हैं। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है अगर आप फियो का ये प्रोडक्ट परचेज करने वाले हैं। सबसे पहली बात जो है, फियो का प्रोडक्ट थोड़ा सा अवेलेबिलिटी आपको इंडिया में कम मिलेगा। दूसरा पॉइंट, वारंटी सर्विस। अगर आपको इनकेस ज़रूरत पड़ती है इसकी वारंटी को क्लेम करने के लिए, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, आपको ईयरफोन को कहाँ भेजना होगा, ये थोड़ा सा हेक्टिक आपके लिए हो सकता है क्योंकि अभी ये प्रोडक्ट जो है इंडिया में इतना ज़्यादा वाइड स्केल में अवेलेबल नहीं है। तीसरा पॉइंट, इसका केबल तो आप रिप्लेस कर सकते हैं जैसा मैंने बताया, वो पर्टिकुलर मेक का आपको केबल्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर आप ब्लूटूथ वेरियंट भी लेते हैं तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा, और अगर नॉर्मल वेरिएंट भी लेते हैं 3.5 mm जैक वाला तो भी थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ, अगर आप फियो से हट के कोई दूसरे ब्रांड का केबल जैसे KZ ZSN का जो केबल आता है वो अगर इसमें यूज़ करेंगे, 2 pins वाला या फिर ब्लूटूथ वाला, तो वो आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। बट आई एम नॉट श्योर अबाउट कि स्पेसिफिक फियो का केबल्स आपको यहाँ पे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बस यही थे कुछ छोटे छोटे मगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास पैसा है, बजट है, तो लाइफ में एक बार तो आप इन्वेस्ट करके देख सकते हो। एटलीस्ट आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि एक नॉर्मल ईयरफोन में और एक इन ईयर मॉनिटर्स में डिफरेंस क्या होता है। होपफुली आपको ये नए प्रोडक्ट के बारे में ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा देखने में। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड या किसी भी ईयरफोन या IEM से रिलेटेड, तो आप मुझे पूछ सकते हो। मैं ट्राई करूंगा कि उसका सही रिप्लाई आपको जल्द से जल्द दूँ। एक नॉर्मल ईयरफोन और एक IEM के कंपैरिजन का वीडियो मैंने एक बनाया जो कि काफ़ी नॉलेजेबल है, आप चाहे तो उसे जाकर देख सकते हैं, आपको डिफरेंस काफ़ी हद तक पता चल जाएगा। वो वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के एंड पे मिल जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।